नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जिस वैकेंसी का आप सबको सबसे ज्यादा इंतजार था, जितने भी टाइपिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका फिर से एक बार आ चुका है। जितने भी मंगल टाइपिंग कर रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी उनको टाइपिंग आती है, ये बेहतरीन जॉब आपके सामने आ चुकी है। इसके बारे में मैंने बताया था कि कितनी वैकेंसी ये आने वाली है और उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस हुए हैं। मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू जेएससी के लिए, जो पहले एलडीसी के नाम से जाना जाता था, लोअर डिवीजन क्लर्क, अब उसे जेएससी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है, तो उसके सिलेबस के बारे में और पैटर्न के बारे में मैंने डिस्कस किया था। लेकिन यह भी कहा था यह पुराना है नोटिफिकेशन, हो सकता है आने वाले नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस देखने को मिले, लेकिन सिलेबस आपका वही रहेगा। एकदम वही हुआ है, सिलेबस आपका सेम है लेकिन पैटर्न में चेंज हो चुका है। अब वेटेज बढ़ा दिया गया है, क्वेश्चंस का नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सामने जब क्वेश्चंस बढ़ते हैं तो एक तरह से उसी सिलेबस में नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस उठाने की, जो एक तरह से बोला जाए, वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का आना था तो कितना भी पूछ लेता, किसी पोर्शन से दो दो तीन तीन क्वेश्चन उठा के पूछता। जैसे आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो सबसे ज्यादा एमएस ऑफिस के 7-8 प्रश्न कहीं ना हर पेपर में पूछा था, 14 हो गया, 15 हो गया। तो यहां पर अब जब 20 क्वेश्चन हो जाएगा तो यार इतना मान लो कि 50% क्वेश्चन तो एमएस ऑफिस आपका कवर करेगा। और अब क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड बन गया है कि ऑफिस डायरेक्ट ना पूछ के प्रैक्टिकल व्यू आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब तक आपके प्रैक्टिकल अप्रोच अच्छे नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो टीम परीक्षा प्लस एक बार फिर से आपके जेएससी के लिए एक बैच लेकर आई है, जो 499 में अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, 2000 का ये बैच है, 499 में ये बैच दिया जा रहा है। जिनको भी जुड़ना है वो परीक्षा प्लस ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस आपकी 10 तारीख से इसकी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपके पीआरटी की जो क्लास है वो 8 तारीख से स्टार्ट होगी, बाकी इसकी क्लास आपकी 10 से स्टार्ट होगी, ये ध्यान रखना। 8 दिसंबर से इसकी पीआरटी वाली स्टार्ट हो रही है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये 499 का आपका बैच है। और 10 तारीख से आपके 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें एडमिशन के लिए आप परीक्षा प्लस ऐप, ठीक है, परीक्षा प्लस ऐप, या आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं जो आपके नीचे चल रहे हैं, 6007 और 9129-69-70-80। कंप्यूटर के लिए एकदम निश्चिंत रहो कि मैं हूं, धुआं धुआं मचा देंगे, ठीक है। इतना हम प्रैक्टिस कर डालेंगे कि कंप्यूटर भूल जाएगा कि हम प्रश्न कहां से पूछे। यहां पे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा कि जो चेंजेस हुआ है, बाकी सब कुछ वही है जो प्रीवियस नोटिफिकेशन में था। चेंजेस आपके पैटर्न में हुआ है, सिलेबस में नहीं देखने को मिलेगा। यहां पे अगर हम बात करें, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन हो गए, निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है जैसे पहले था, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी मोड में होगा, यह मैंने पहले भी बता रखा है। 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश और हिंदी, जो पहला पार्ट था आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वाला, इसमें 40 क्वेश्चन पिछली बार, मतलब जो मैंने नोटिफिकेशन बताया उसमें भी था, इसमें भी है, तो 40 क्वेश्चन तो आपके ये है ही है कि जो आपके सिलेबस है वही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते हैं, तीन क्वेश्चन इसके, तीन क्वेश्चन इसके, तीन क्वेश्चन इसके, नाउन प्रोनाउन बहुत कम आता है, फिलर कहीं ना कहीं इसका यूज करके दे देता है दो से तीन क्वेश्चन, बाकी आपका स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस में एरर, ये सब देता है। एडियम फ्रेजेस 3 से 4 क्वेश्चन पूछ देगा, तो यहीं से आपके 20-25 क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे ही इसमें भी है, पर्यायवाची, विलोम, मुहारे, लोकंतिया, यही 3-3, 4-4 पूछता है, और संधि विच्छेद ये आपका पूछता है, अलंकार अलंकार तो नहीं पूछता है आपका, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना है। प्रीवियस पेपर में इतना अलंकार अलंकार नहीं पूछा है, तो ये 40 क्वेश्चन आपका ये हो गया। उसके बाद से अगर हम बात करें कि कंप्यूटर आपके टेस्ट में, जो जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर की जो टेस्ट है, इसमें पहले आपके 15-15 क्वेश्चन आते थे, लेकिन यहां पर क्वेश्चन इंक्रीज कर दिया गया। पहले 100 क्वेश्चन होता था, पहले आपके 100 क्वेश्चन होते थे, अब 120 क्वेश्चन हो गए। तो वो इंक्रीज कहां हुआ है कि जो आपके जीके का पोर्शन था 15 क्वेश्चन आता था, अब वो 20 क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखिएगा, 5 क्वेश्चन बढ़ा दिया। लॉजिकल रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन आपको कर दिया है, जो पहले 15 क्वेश्चन था। कंप्यूटर भी आपका 15 क्वेश्चन था, आप 15 से जब 20 हो जाएगा ना तो खेला हो जाता है 5 क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहां पे ये बहुत ही आपको पूरा सिलेबस वही है, जब सिलेबस वही है तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं डीप जाएगा, तो अच्छे से आपको पढ़ना होगा। कम सिलेबस है लेकिन नॉलेज प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो मैं आपको पूरे प्रैक्टिकल अप्रोच से, स्लाइड के माध्यम से, स्निपशॉट लेकर पढ़ाऊंगा, इसके लिए निश्चिंत रहो।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके आलोक सर एकदम धुआं धुआं बता देंगे, जिसको अगर मैथ का क भी ना आता हो, मैथ का एम भी ना आता हो, उसके लिए एकदम तैयार रहो, टेंशन नहीं लेना। सिर्फ अर्थमेटिक पोर्शन है आपका, अर्थमेटिक कोई एडवांस नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गया है। और कुछ लोगों के मैथ्स में डर लगता है, सर मेरे मैथ्स के क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो वो एकदम निश्चिंत रहो, ये 20 क्वेश्चन आपके हाथ में है, निश्चिंत रहिए। तो 20 क्वेश्चन आपके यहां पे हो गए। उसके बाद से अगर हम बात करें, और जिस हिसाब से मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, तो आपके दो फायदे हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर आपके सामने चलूंगा। तो दूसरा जो आपका होगा, आपके रिटन एग्जाम के बाद आपके जो स्किल टेस्ट होगा, तो स्किल टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्किल टेस्ट आपका क्या है, 35 वर्ड पर मिनट पे है। क्या आपका 35 वर्ड इंग्लिश का है, और हिंदी का आपका क्या है, 30 वर्ड पर मिनट है। तो ये स्पीड आपकी होनी चाहिए, मंगल फॉन्ट ही आपसे मांगा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो मैं देखूंगा और क्या हो सकता है, रेमिंगटन गेल मांगता है कि नहीं, लेकिन मंगल वाले तो निश्चिंत रहो, ये तो मांगेगा ही मांगेगा। और इंग्लिश की 35 वर्ड और हिंदी की, ये तो आप लोग करते ही होंगे, टाइपिंग जिसको आती है तो जनरल सी बात है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। लेकिन जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, एसएससी में भी अब कर दिया गया है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एसएस, पावर पॉइंट और इंटरनेट, ठीक है, इसके आपके प्रैक्टिकल अप्रोच पे टेस्ट होगा। आपको कहेगा पावर पॉइंट खोल दिया, कहा स्लाइड बनाओ, वर्ड खोल दिया तो इंडेंट कराने के लिए बोल दिया, तो वो चीजें आपके 100 मार्क्स की होंगी, और इसमें आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है, अगर नहीं लाओगे तो फेल हो जाओगे, समझ रहे हो। तो 100 में 40 नंबर लाना है, लेकिन हाँ, इसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। वही बोला, स्किल टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड कैंडिडेट हैव टू ऑब्टेन मिनिमम 40% मार्क्स इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड आल्सो क्वालिफाइंग इन द टाइपिंग टेस्ट एज पर प्रिस्क्राइब नॉर्म्स। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन ऑन द कैंडिडेट इन द रिटन टेस्ट ओनली। मतलब आपका यहां से जो मार्क्स पाओगे वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन 40% मार्क्स 100 में लाना है, 40 नंबर लाना है, नहीं तो आप इस पूरे टेस्ट में फेल हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद से जो मेरिट आपकी बनेगी, सिर्फ आपके रिटेन टेस्ट पे बनेगा, कोई प्रोफिशिएंसी और स्किल टेस्ट पे नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये बात आप लोग एकदम दिमाग में बैठा रहो, और जिन्हें भी तैयारी करनी है, समय आपके पास सिर्फ 60 दिन का है, समय 60 दिन का है। और पूछते हो कि कौन कौन एलिजिबल है, तो सिंपल सी बात है, जिसने 12th पास किया है, एलिजिबिलिटी मैंने बता रखी है वो बदली नहीं है, एलिजिबिलिटी में वो जो 12th पास किए हैं वो आपके एलिजिबल हैं, और जिनको टाइपिंग आती हो या 12th के इक्विवेलेंट है, समझ रहे। एज आपकी जो है, सब लोग पूछते हो एज क्या होगी, तो एज आपकी मैक्सिमम 27 साल है, बाकी आपकी जो छूट है सेंट्रल गवर्नमेंट की 5 और 3 साल वाली, वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। बाकी इसके जो और भी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है, मैं छोटी सी वीडियो आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन जो चेंजेस हुए थे, जो सबसे बड़े, एलिजिबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं है, जो पैटर्न और सिलेबस में, सिलेबस भी आपका हुबहू वही है, लेकिन पैटर्न में चेंजेस हुआ उसको बताना जरूरी था। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अपने हित मित्र रिश्तेदारों को शेयर करिएगा, किसी प्रकार की अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम आपकी समस्याओं का वीडियो के माध्यम से समाधान कर सके। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।